speak English fluently and if you want to read and understand English, you must learn tenses. Because tenses are basic foundation of English. अगर आप स्टूडेंट्स हैं या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई जॉब इंटरव्यू के लिए, इंग्लिश हर जगह बहुत ज़रूरी है. और अगर आप चाहते हैं कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें और रीडिंग करें या राइटिंग करें, तो टेंसेस सीखना बहुत ज़रूरी है. यानी बिना टेंसेस के नॉलेज के हम प्रॉपर इंग्लिश नहीं सीख सकते. तो आज हम बहुत ही शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे टेंसेस. हम सब जानते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंसेस होते क्या हैं. इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें तो टेंसेस हमें टाइम शो करते हैं. तो टेंसेस डिनोट करते हैं हमें कि एक्शन कब हुआ, यानी वो टाइम जब वो इवेंट हुई. तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वर्ब्स होती हैं यही हमें इंडिकेट्स करती हैं, डिनोट्स करती हैं कि जो इवेंट हुआ है उसका टाइम क्या है और जो वर्ब हुआ है वो कितना हुआ है. इसी के अकॉर्डिंग वर्ब्स के हम डिफरेंट फॉर्म्स भी यूज़ करते हैं उस एक्शन को, उस इवेंट को, उस कंडीशन को दिखाने के लिए. तो टेंसेस वर्ब्स के साथ बनती हैं जो कि टाइम, कंटिन्यूस और कॉम्प्लीशन ऑफ एक्शन को दिखाती हैं. तो अगर शॉर्ट में कहें तो टेंसेस शोज टाइम. टेंसेस हमें टाइम ऑफ एक्शन दिखाते हैं कि वो वर्क कब हुआ, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में हुआ. इसी के अकॉर्डिंग इसके थ्री पार्ट्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जनरली हम जब डेली लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि काम हो चुका है या हो रहा है या होगा. सिमिलरली हम बहुत ही फास्ट हमें पहचानना आना चाहिए कि इंग्लिश में भी ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट है या फ्यूचर टेंस है. तो इस थ्री टेंसेस को हम फिर फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वर्क के अकॉर्डिंग. तो जैसे पास्ट टेंस है तो उसके फोर पार्ट्स हो जाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सिमिलरली प्रेजेंट टेंस के भी फिर फोर पार्ट्स हो जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. एंड सिमिलरली फ्यूचर टेंस के भी फिर फोर पार्ट्स, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. तो इस तरीके से वी टोटली हैव 12 टेंसेज. हम एक एक करके टेंसेज के रूल्स पढ़ेंगे और बहुत ही शॉर्ट में हम इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे. हमें रटना नहीं है, हमें उसको समझ के पढ़ना है. तो आज हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वी कैन कॉल इट प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. हमारी डेली रूटीन में, हमारी हैबिट्स में, अनचेंजिंग सिचुएशंस में, यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ्स में एंड फिक्स अरेंजमेंट्स में. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में यूज करते हैं. और अगर हिंदी की बात करें तो इसके पीछे ता, ते, ती लगता है. जो काम हम रोज कर रहे हैं, जो हमारे डेली रूटीन है, हमारी हैबिट्स हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जैसे कि हम रोज स्कूल जाते हैं, हम इतने बजे टीवी देखते हैं, हम रोज खेलने जाते हैं, ये सब प्रेजेंट सिंपल में आता है. तो यहाँ पे वर्ब्स हमें ये बताते हैं कि जो वर्क है वो प्रेजेंट में चल रहा है या फिर एवरी डे हो रहा है या एवरी वीक हो रहा है या एवरी मंथ वो रिपीट हो रहा है. यानी ऐसा एक्शन जो रिपीट होता है या अक्सर हम करते हैं, ऑफन, ऑलवेज, हम उसको करते हैं या फैक्चुअली करते हैं उसको. तो हम एग्जाम्पल के साथ अगर उसको समझे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाती हूँ. वी प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल ईच डे, स्कूल के बाद हम बाहर खेलते हैं. एवरी मंडे दे ईट पिज्ज़ा, हर मंडे को वो पिज्ज़ा खाते हैं. तो आपने देखा इन सब के पीछे ता या ती लगता है, और ये हम नॉर्मली हमारा डेली रूटीन या हमारी हैबिट्स हैं जो कि हम अक्सर रिपीट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द रूल. रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेंसेस, लेकिन रूल्स को हमें रटना नहीं है, हमें उसको समझना है ताकि वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द टेंस एंड वी कैन इजिली मेक सेंटेंसेज बाई यूजिंग दैट टेंस. हम उस टेंस का यूज करके सेंटेंस बना पाएं इजिली, और हम उस टेंस को इजिली अपने डेली लाइफ में यूज करें, तभी वो हमें समझ में आ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला है वो, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी ये बेस्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ यूज होती है. तो ये एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सिंपल सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. लेकिन बात यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की ये है कि सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब लगती है. तो अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन है, यू नो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो कि स्पीकर होता है, जो बोल रहा है वो, और सामने जो सुन रहा है वो सेकेंड पर्सन होता है. जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है, वर्ब के पीछे कुछ भी एस या यस नहीं लगता है. जैसे आई टेक, यू टेक, वी टेक, ये फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन है. और थर्ड पर्सन में भी जो प्लूरल है,
उनके साथ भी वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे दे प्लूरल है, हम एक से ज्यादा पर्सन की बात कर रहे हैं, तो इन सब में टेक आया, टेक्स नहीं आएगा। आई यू वी दे ये प्लूरल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसके पीछे एस लगेगा या ई एस या ई एस लगेगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे रूल्स में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही है तो ये ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे टेक की जगह क्या लिया, टेक्स। ही टेक्स, शी टेक्स, तो ये आपको याद रखना है और उसको भी समझ के याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के पीछे हम एस एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो नो नीड टू यूज एस आई एस विथ वर्ब। इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ पीछे एस आई एस ई एस लगता है। ही वॉन्ट्स, शी नीड्स, ही गिव्स, शी थिंक्स, यहाँ पे ही और शी सबके साथ वर्ब के पीछे एस लग रहा है, वॉन्ट्स, नीड्स, गिव्स, थिंक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको माइंड में रखना है। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह स्कूल जाते हैं, तो बिकॉज दे यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल है, ज्यादा बच्चों की बात कर रहे हैं या ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, वो भी थर्ड पर्सन की, इसलिए हमने यहाँ पे गोज नहीं लगाया, गो लगाया है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन इज सिंगुलर सब्जेक्ट सो वी यूज सेट्स इन द वेस्ट। शी एंजॉयज प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजाना एंजॉय करती है, बिकॉज शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, हम एक ही की लड़की की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंजॉयज आएगा, एस हमने यहाँ पे यूज करना है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स फॉर हैबिट्स। मैंने आपको बताया था कि हमारी डेली रूटीन, हमारी हैबिट्स के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। तो ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट में चाय पीता है, यहाँ पीता है, ताते थी भी आ रहा है और ये उसकी हैबिट है, वो ये डेली करता है। फॉर रिपीटेड एक्शन, कुछ एक्शन हम रिपीट करते हैं, कुछ इवेंट्स हम रिपीट करते हैं। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम बस पकड़ते हैं। तो यहाँ क्योंकि वी प्लूरल है तो कैच आया है, लेकिन ही यहाँ पर सिंगुलर है तो ड्रिंक्स आया है, एस लगाया है। और जनरल ट्रूथ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन का चक्कर काटती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये सब चीजें हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज करते हैं। अब देखते हैं हम इससे नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बना सकते हैं। सब्जेक्ट के साथ हमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, उसके बाद ही नॉट लगेगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। अब डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, ये बिल्कुल बिना रटे हुए आप लॉजिक के साथ क्लियर करके समझें और उसको याद रखें। हमने अभी बात की सिंगुलर और प्लूरल की, तो जितने भी सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं, आई यू वी दे या जो भी थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, उसके साथ डू लगता है, तो प्लूरल के साथ डू लगता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ डज लगता है। तो ये डू और डज में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसको बिल्कुल माइंड में क्लियर रखें कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं। जैसे ही वॉन्ट्स आइसक्रीम, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने वॉन्ट्स लगाया, एस लगाया, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम लगाएंगे डज नॉट, और वॉन्ट के पीछे जो एस है वो भी हमें हटाना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे डज लगा रहे हैं, यहाँ पे वॉन्ट्स लगाएं तो वो गलत हो जाएगा। हमने यहाँ पे डज लगाया क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही डज नॉट, और वॉन्ट के पीछे जो एस है वो भी हमें रिमूव करना है। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखें कि सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगेगा, नॉट लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और डू या डज के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस तो नहीं लगेगा। साथ ही देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, बिल्कुल जैसे नेगेटिव का रूल है वैसे ही इंट्रोगेटिव का रूल है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमें यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है क्योंकि नेगेटिव में ही नॉट लगता है, यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। जब भी हम कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले आते हैं। तो यहाँ हमने डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगाना है, और रूल हमें वो ही रखना है जो हमने नेगेटिव में फॉलो किए थे, आई यू वी दे जो कि प्लूरल सब्जेक्ट थे उसके साथ डू लगाना है, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो सिंगुलर है तो हमें लगाना है डज। ही वॉन्ट्स आइसक्रीम, अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा था, अब इसमें डज आगे आ गया और डज के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे डू डज का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल के अकॉर्डिंग, और फिर डज जब लगेगा तो वर्ब के पीछे एस या एस कुछ भी नहीं लगेगा।
कुछ और यहाँ पे रूल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर वर्ब के पीछे वाई आ रहा है तो हम एस लगाएं या आई एस लगाएं। तो इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम देखते हैं रूल्स। जब थर्ड पर्सन को हम चेंज करते हैं तो वाई, अगर वर्ब के पीछे वाई है तो हम वाई हटा के क्या लगाएंगे, आई ई एस। जैसे फ्लाई का फ्लाइज, क्राई का क्राइज। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल भी है कि अगर वाई से पहले कोई वोवेल साउंड आ रहा है, जैसे प्ले में वाई से पहले ए आ रहा है, दैट इज वोवेल, तो यहाँ पे हमें फिर वाई हटा के आई एस नहीं लगाना है, हमें सिंपली एस लगाना है। तो प्ले का हो जाएगा प्लेज, प्रे का हो जाएगा प्रेज। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके एंड में लगता है डबल एस, एक्स, एस एच, सी एच। अगर ऐसी वर्ब्स हैं तो उसके पीछे हम सिंपल एस नहीं लगा के क्या लगाएंगे, ई एस। ही पासेस, शी कैचेस, ही फिक्सेस, इट पुशेस। तो ये रूल आप माइंड में रखेंगे तो बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वर्ब के पीछे एस लगेगा या ई एस लगेगा या ई एस लगेगा। यहाँ हम एक टेबल से एक बार वापस रिवाइज कर सकते हैं अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो आज हम एक टेंस देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई थिंक अगर आ रहा है तो आई देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि आई क्या है, प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगेगा, डू, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। आई थिंक, डू आई थिंक, आई डू नॉट थिंक या आई डोंट थिंक। सिमिलरली यू को भी देख के माइंड में आ जाना चाहिए कि यू के साथ डू लगता है, डू यू थिंक, यू डोंट थिंक। लेकिन ही, शी और इट तीनों के साथ क्या लगेगा, थिंग्स, क्योंकि ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो इसी के साथ इसमें क्या लगेगा, डज। तो नेगेटिव बनाना है तो भी डज नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो ही डज को आगे लेके आना है। तो मेनली आपको इस टेंस में डू और डज को और सिंगुलर प्लूरल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। वी और दे, फिर से यहाँ पे प्लूरल आ गया है तो वी थिंक, दे थिंक, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू वी थिंक, डू दे थिंक, वी डोंट थिंक, दे डोंट थिंक। थोड़ा सा हम प्रैक्टिस में इसको लाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है, और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब के पीछे एस, आई एस या ई एस लगाना होता है। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज पे लिए ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और रिवाइज हो जाए, तो इसको आप खुद करने की ट्राई कीजिए। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। इट एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। अब यहाँ पे इट आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा पीछे, रेन्स। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। हॉट सीजन में हर आफ्टरनून में रेन होती ही है। दे टू मोनाको एवरी समर, यहाँ पे भी एवरी समर हर समर की बात आ गई, और दे क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो क्या लगेगा, ड्राइव, इसके पीछे एस नहीं लगेगा, ड्राइव लगेगा। यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो शी के साथ क्या लगता है आपको पता ही है, डज। यहाँ पे शी के साथ डज लगेगा क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। दे फिर से प्लूरल है तो दे वॉच टेलीविजन रेगुलरली, यहाँ पे रेगुलरली एक्शन रिपीट हो रहा है तो हमने टेंस का यूज किया है। वॉटर एट 0 डिग्री, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वॉटर के साथ आएगा फ्रीजेस, क्योंकि वॉटर सिंगुलर माना जाता है, हम इसको प्लूरल नहीं मानते वैसे भी, और वॉटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ। ही एवरी मॉर्निंग, ये भी हर मॉर्निंग में काम रिपीट हो रहा है, और ही सिंगुलर है तो क्या लगेगा, गोज। यू, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, डू या डज, हाँ डू लगाते हैं क्योंकि यू सेकेंड पर्सन प्लूरल है। यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। इट सिंगुलर है तो फिर लगेगा मिक्सेस, क्योंकि पीछे एक्स आ रहा है तो पीछे ई एस लगाना है। इट मिक्सेस द सैंड एंड द वॉटर। ही फिर सिंगुलर है तो लगेगा ट्राइज, मैंने आपको बताया था कि वाई को हटा के आई एस लगाना होता है। शी प्लेइंग द पियानो, तो यहाँ पे शी क्योंकि सिंगुलर है तो क्या आएगा, एंजॉयज, शी एंजॉयज प्लेइंग द पियानो। तो जो भी हमारी डेली हैबिट है, हमारे डेली रूटीन्स हैं, जो काम हम अक्सर करते हैं, जिसके पीछे तातेती लगता है, उसमें हम इस टेंस को यूज़ करते हैं, और इस टेंस में आपको सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डस, और प्लूरल के साथ डू। तो आई होप कि आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।